हर एक लीडरशिप का जिनी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप है सारे का बहुत धन्यवाद। तो सब तो वड्डा धन्यवाद पंजाब दे मीडिया जिहड़ा इत्थे सारा पहुँचा होया ते शामिल होने तो पहले ही जो मैं हौसला अफजाई आ रही है जो कल दे सानू फोन आ रहे ने कि तुसी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हो सानू खुशी है क्योंकि आम आदमी पार्टी एक इमानदार पार्टी है जिथे कुर्सी की भुख नहीं है लोगों के हितों की भुख है। गायकी दे विच मैं पा लिया बहुत कुछ पा लिया शोहरत पा ली दौलत पा ली पर सुकून नहीं मिले मन नूं कदे भी। स्टेजा दे भी मैं बहुत बोली हाँ कि शुरू तो बचपन तो अज दी नहीं मैं जदों दा होश संभालिया उदों दा मैनू रोस है सरकारां नाल मैनू किसी बंदे नाल रोस नहीं है पर इस सिस्टम नाल रोस है जिथे किसानां दीआं फसलां मंडियां च रुलदियां ने जिथे मजदूर सड़कां ते रुलदे ने इन्हां दीआं महलां दीआं इट्टां विच दी किसानां दी जां मजदूरां दी दुखां दी आवाज़ नहीं जांदी जिथे धर्मां दे नां ते राजनीति हुंदी आ एंड आम आदमी पार्टी है जिहड़ी धर्म निरपक्ष पार्टी है किसी धर्म के नाते नहीं विकास के नाते राजनीति करती है। अज जिहड़ा मेरा कारण आउण दा मैं बहुत देर दी किसी राजनीतिक पार्टी च हुंदी क्योंकि जरूरी आ इत्थे जिहड़े राजनीतिक परिवार इन्हां ने ठेका नहीं लिया कि यही बेईमानी वाला हत्थ आ जिहड़ा इन्हां दे हत्थां च बेईमानी दीआं लकीरां ने जिहदे नाल लोकां नूं लुट रहे ने। सो जिहड़े साडे असीं जिमीदार परिवार चों मैं मेरे पापा किसान ने सो किसान परिवार चों मैं संबंध रखदी हाँ तो मैं फैसला लिया कि मैं इस संगठन का हिस्सा बनांगी क्योंकि केजरीवाल जी ने जो दिल्ली दे विच एक बदलाव लिया एक लहर चलाई है जिथे सिक्ख्या तो ला औरतों की सुरक्षा तो ला विकास तो ला हर एक जो लोगों का पैसा लोगों पर लगाया गया एंड कितना बदलाव लिया रहे ने सोचो होर अगे पांच दस साल उत्थे की क्योंकि दिल्ली वर्गा जिहड़ा संघना शहर है जो उत्थे बदलाव सकदा तो इस पंजाब वर्गे खूबसूरत सूबे दे विच जिथे लोगों का क्रांतिकारी खून है जिथे लोग एक सच्चे बंदे नाल जुड़दे ने जे उही पार्टी इत्थे आउंदी आ तां उस चीज़ का साडे पंजाब दे विच कितना वड्डा फायदा होना। सो इस चीज़ नूं जिहड़ा तुसीं लैके जाणा मीडिया ने लैके जाणा जिहड़े मेरे वीर मेरियां भैणां इत्थे बैठियां क्योंकि अज लोड़ है जे तां असीं इन्हां दे थल्ले ला के रहना जिहड़े परिवार राजनीति चला रहे ने बादल ने कैप्टन साहब ने बादल साहब ने इन्हां दे परिवार अगे इन्हां दे बच्चे राजनीति कर रहे ने ये असीं राजनीति को इत्थे कोई नहीं करदा इत्थे कोई कुर्सी लई नहीं लड़दा इत्थे लोकां दे हक्कां लई लड़न लई सारे बैठे ने कि लोकां नूं हक दवाए जाण। मेरी जिंदगी मैं अज कह रही हाँ मेरी जिंदगी पंजाब लई समर्पित है। जे भगत सिंह 23 साल की उम्र च शहीद हो सकदा मेरी उम्र 29-30 साल दी 30वां साल आ मैनू कोई किसी का डर नहीं आ। मैं मेरी जिंदगी अज तो बाद मैं सिर्फ पंजाब दे लेखे लाउणी है मैनू जिथे आवाज चकनी पई आम आदमी पार्टी दा वर्कर तो लैके लीडरशिप तक मैनू जिथे कोई कहूगा इत्थे आके अनमोल खड़ना इत्थे आके बोलना कोई मीडिया का बंदा मैनू कहूगा इत्थे आके खड़ना साडे नाल क्योंकि असीं सारे आम घरां दे बच्चे हाँ जिन्ना मीडिया भी खड़ा थोड़े भी धी पुत्त। सो इन्हां लोटुआं दे थले ला के असीं किन्नी देर जिउणा है किन्नी देर क्योंकि 1947 च इक देश नूं नाम दा आजाद कर दिता गया पर जिहड़े मीर जाफर ने जिन्हें 200 साल तक साडा मुल्क गुलामी च रख्या यह मीर जाफरां दी आत्मा इन्हां लीडरां च हुण आई होई है। जे इन्हां च मीर जाफर दी आत्मा साडे च भगत सिंह दी आ साडे च करतार सिंह सराबे दी आ साडे च ऊधम सिंह दी आ असीं तैयार बैठे हाँ इट ना इट खड़काउण नूं ते मैं अज इस काम च उतर रही हाँ क्योंकि मैनू कोई संगठन नहीं मिल रहा सी मैं इन्हां लोटुआं च तां जाणा नहीं सी जदों मैं दिल्ली च काम हुंदे देखे जदों मैं भगवंत मान वीर वर्गा एक लीडर देखिया जिहदे च एक जज्बा जिहदे च लोकां लई बोलण दा जज्बा ये नहीं मैटर करदा कोई कलाकार आ कोई की आ मैटर करदा तुहाडा अपने पंजाब लई लोकां लई गरीबां लई गरीब इत्थे कोई नहीं है गरीब तो लोग ने असीं राजे हाँ असीं वोट पाउने हाँ ये सेवक ने। सो सेवक नूं सेवक बन के रहना चाहीदा मालक तुसीं हो मालक असी हाँ जिहड़े असी वोट पाउने आ सो असी मालक नूं मालक बनाउणा ते सेवक नूं सेवक बनाउणा। सो इस चीज़ लई असी आए हाँ ते मैं उम्मीद करदी हाँ कि पंजाब दा मीडिया निरपक्ष हो के मैनूं पता क्योंकि कल दा जो मैं पोस्टां ऑलरेडी पै रहीआं ने उस चीज़ तों मैं बहुत खुश हाँ ते जिन्नी इस इन्हां दी आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल जी तों लै के जरनैल जी बैठे ने बहुत कमाल दे इंसान लीडर भगवंत मान वीर दी मैं कोई तारीफ दे नहीं कर सकती इन्होंने बहुत इनकरेज किया इस चीज़ लई क्योंकि जो जनून जो जज्बे नाल बेधड़क हो के हर थां ते बोलते हैं
ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੱਢਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਨਾ ਸਕਣ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਢ ਕੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਨ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ देखो मेरी पहली तरजीह इस संगठन नूं आ लोकां दे हितां नूं आ क्योंकि उस प्लेटफॉर्म ते मेरे नाल करोड़ां लोग जुड़े हुए ने सो करोड़ां लोकां नूं आपां मैसेज हाँ जिहड़े मेरे शो ने यह मैं इन्हां नूं तरजीह नहीं दूंगी गाणियां राहीं जिथे करोड़ां लोग आपां ही सुणन वाले आ मैनूं पंजाब दे किसान पंजाब दे मजदूर पंजाब दीआं धीआं भैणां सुणदीआं उहदे राहीं असीं सुनेहा जरूर देवांगे क्योंकि छड्डी दी उह चीज़ हुंदी जिहदा कोई नुकसान होवे पर हाँ बिल्कुल मेरी जिहड़ी पहली प्रैफरेंस है मैनूं कोई गीत दा नहीं कोई किसे चीज़ दा नहीं जिथे मैनूं कोई पंजाब दी किसान जथेबंदी आ मजदूर जथेबंदी आ अध्यापक जथेबंदी आ जिथे कह दूं मेरी जिंदगी पंजाब लई समर्पित है उह मैं थोड़ा जिहा मैं भी इहदे विच ऐड कर देना बल्कि मैं भी इन्हों जो मीटिंग हुई सी जिन्हें मीटिंग हुई मैं वह यही कहा कि जोड़ा तुहाड़ा परमात्मा ने कला दी हुई है तुसी उन्हों छड़े हो ना क्योंकि रोजी रोट रोटी लई जिहड़ा जिहड़ी साडी पॉलिटिक्स है ये साडा पैशन है ये प्रोफैशन नहीं है ठीक है ना सो कोशिश तो पहले मैं भी की थी कि शायद मैं अपने सीरीयलों को कंटिन्यू कर लेंदा पर 2014 जो मैं बनया या 2012 जो मैं मनप्रीत नाल गया ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣੀ ਪਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਛੱਡਣੀ ਪਊਗੀ ਸੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਅਪ ਟੂ ਹਰ ਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਕਨ बिलकुल सौखा देखो मेरा ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਹਾਂ ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸੋ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਆ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਆ ਕੋਈ ਜੱਜ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਹਾਂ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ ਬਾਕੀ ਸੰਗਰੂਰ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਡੰਗਾਈਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਆਮ ਦੇਸੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸਾਡੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਵੀ ਆਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪੇਟੈਂਟ ਰਾਈਟ ਲੈ ਲਏ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰ ਪਏ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਇਕੱਲੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾ ਇਹ ਆਪਦੇ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜੂਗਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਲ ਜੂਗਾ ਰੋਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੇਕ ਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਆਮ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜੀ
ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਹੇਮਾ ਮਾਲਨੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਆ ਉੱਥੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜੀ, ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਜੀ MP ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਪੁਰੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਉੱਥੋਂ MP ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਈਵਨ ਜੈਲਲਤਾ ਤੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਕਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ MP ਬਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਤੇ ਹੈ ਵੋ ਮੁੰਬਈ ਕੀ ਉਨਕੀ ਚਮਕ ਦਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਸਕਤੇ, ਤੋ ਫਿਰ ਆਪ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੰਬਈ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਜਨੂਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਜਨੂਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹਦੇ ਲੱਭਣਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਗੋਭੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਆਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੱਢਣਗੇ, ਕੱਢੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਟਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੀਚਰ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਟਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰੀ 'ਚ, ਭਾਅ ਜੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਆ, ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ SIT ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ SIT CBI ਦੁਆਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਰਣਵੀਰ ਖੱਟੜਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ 2 ਤੋਂ 2017 'ਚ ਆਮ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ 22 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲੂਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਬੇੜਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਖਤਮ ਹੈ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਸ ਜਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਡੇ LOP ਵੀ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ 2 ਜਾਂ 3 ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਣ, 2 ਜਾਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਆਪ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਡੋਚੀ ਸਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 600 ਏਕੜ ਹੈ, 600 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਖਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਲਓ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਧਾਰੀਵਾਲ, ਬਟਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗੂ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੇਰਾ ਸੇਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਜੰਗਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ ਕਰਾਉਣਾ ਰੇਸ ਕੋਰਸ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕਸੀਨੋ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੂਏ ਦੇ ਅੱਡੇ ਵੀ ਖੋਲੂਗਾ, ਉਹੀ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਸੇਰਾ ਸੇਰੀ ਵਾਲੀ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰਿਪੀਟ ਐਂਟਲ ਰਿਟਾਇਰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਵਤ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ
तरीके चल रहे नहीं, असीं तां विकास ते लड़ांगे, ओह जिवें मर्जी लड़ लैण। दिल्ली दे लोकां ने इस गल ते मोहर लाती, क्योंकि दिल्ली दे विच असीं स्कूल गिणा रहे सी, असीं मुहल्ला क्लीनिक गिणा रहे सी, असीं बिजली पानी गिणा रहे सी, असीं लोकां दे जिहड़े सस्तियां जिहड़ियां दवाइयां फ्री दी दवाइयां ओह गिणा रहे सी, असीं विकास दे काम गिणा रहे सी, सीसीटीवी कैमरे गिणा रहे सी, ते बीजेपी मुसलमान गिणा रही सी, ते हिंदू गिणा रही सी, ते शहीन बाग किधर गया शहीन बाग फिर हुण? सो इलैक्शन वास्ते उन्होंने क्रिएट किया, नहीं चलिया तो हुण शायद बीजेपी नूं भी एजेंडा बदलना पऊगा। दिल्ली दी इलैक्शन तो बाद देश दे लोकां ने ये दिल्ली दे लोकां ने पहलां तां इह दस्सता कि हुण सानू धर्मां दे नाते, सानू जातां दे नाते तुसीं साडा वोट नहीं लै सकदे, हुण कम्मां दे नाते वोट पैणगे। पॉजिटिव आम आदमी पार्टी दिल्ली दे कम्मां नूं गिणाऊगी, इत्थों वाला रोड मैप लैके जाऊगी। असी कोई धर्म निरपक्ष पार्टी है भाजी, असी किसे भी इस तरह के धार्मिक मुद्दे नूं उभार के असी लोकां नूं जिहड़ा वो भड़काउणा नहीं, भावनावां दा उहनां दा कोई असी मिसयूज नहीं करना। जदों दिल्ली च 2015 दे विच इलैक्शन लड़ी जा रही सी, तां बीजेपी ने जानबूझ के एक शाही इमाम तो फतवा जारी करवाया सी कि सारे मुसलमानों नूं बेनती है कि आम आदमी पार्टी नूं वोट पा दो। अद्धे घंटे दे विच पहली पार्टी है पोलीटिकल पार्टी जिहड़ी, अद्धे घंटे दे विच प्रैस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी ने कहता सी असी किसी खास धर्म के फतवे नाल नहीं, असी लोकां दे फतवे नाल अग्गे आना चाहुंदे हां। सो टोटली सैकूलर पार्टी भाजी। देखो पहली गल तो कर नहीं सकते वीरे, है ना, उस लैवल से। हाँ नहीं नहीं, असी मंग पत्र असी मंग पत्र सारे डिप्टी कमिश्नर दिते ने। कल नूं मैं अमृतसर जा रहा, जिहड़ा तुली लैब वाला जिहड़ा होया कि नैगेटिव नूं पॉजिटिव दस के उन्हां नाल पैकेज करके चौथे दिन उन्होंने ठीक कह के वो परिवारां नाल जिहड़ा लुट होया ही है, प्राइवेट हस्पतालां ने मिल के कीती है। और किड्डा वड्डा जिहड़ा एम पी ने 1 करोड़ रुपया दिता, कांग्रेस दे एम पी ने ही 1 करोड़ रुपया दिता एम पी लैड चों, तो वो भी आप खुद कह रहे कांग्रेस का एम पी के उस भी पीपीपी किटा च घोटाला हो गया। सो जिन्ना भी मैडिकल माफिया जां मैडिकल नाल रिलेटड जो हो रहा है, आम आदमी पार्टी हर पल की उन्होंने को खबर है, तो जिते जिते भी सानू मौका मिलता असं विरोध कर रहे हैं। कल मैं अमृतसर इस मुद्दे पर जा रहा। जी देखो ये तो सब जुड़ी मामला है, असं ये कह चुके हैं कि जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी है वह कल सिखां दे नाल दी बेअदबी नहीं है, कि सिखां दी भावनावां नूं नहीं हट करदी। गुरु ग्रंथ साहब तो जगत ग्रंथ है, वह तो सरबत दा भला मंगण वाली बाणी है उहदी, तां ठीक है ना, उहदे विच तां मानस की जात सभे इको पहचान बोधियां गल्लां ने। सो असी जो जिहड़ा भी उहदा दोषी है, ठीक है ना, साजिश करता भी जिहड़े डायरैक्ट इनवॉल्व ने उह भी, किन्हां ने उहनूं भेजिआ, कित्थों गया, की गया, सारा कुछ दुध दा दुध पाणी दा पाणी सामने आउणा चाहीदा। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट जारी पाती सी विच पहलां, फिर दोबारा विधानसभा दे विच भी मामला। देखो ये तो उन्हां दा अपना है जी, कि किहनूं वोटां पाउंदे ने, जां कोई यही वोटां मंगण जांदे ने पहलां, ठीक है ना, यही उन्होंने जाके बहिंदे ने। आम आदमी पार्टी तो कदे इस तरह की कल्चर की करती नहीं गल, असी तो गल बेरोजगारी की करते हैं, असी तो गल किसानों की खुदकुशी की करते हैं, असी तो लोगों के चुल्हे की बुझदी अग की करते हैं। सो असी किसी धर्म है, पहले भी कहा असी किसी भी ये अपना अपना हरेक का निजी है, जिन्हों जिहड़ा मर्जी धर्म मन के सुकून मिलता मनो, पर जदों देश की गल आए, जदों पंजाब की गल आए, उदों असी चंगे लोगों अगे लेके आने की अपील करते रहेंगे। उस मैं लैके जाऊंगा, मैं कल उन्होंने मिलूंगा, कल अमृतसर जा रहा, कल मैं उन्होंने लेके मिलूंगा, मैं कल सुन लियो। हाँ अच्छा कौन कहने तुम्हें? नहीं एक मिनट 2012 च कि एक मिनट वो तो साढ़े चलती रही मीटिंग। पहली गल तो 2012 के जिन्हों 58 सीटा सी, वह तो 14 से आ गए, जो 2000 जिन्ना एक मिनट
हूँ मैंने जवाब तो दे लेना, तो जवाब तो मेरा है ना जी। फतेह ही पूछा क्या फिर मेरी गल तो दर्शन, एक मिनट गल तो सुन, एक मिनट पहले तो जीती हुई बाजी तो कहो ना जी, असं आपकी साड़ी 2012 सरकार से अभी हार गए लगता तो हूँ वो तो पार्टी हमेशा पॉजिटिव रखती आपके वर्करा मूज करती है। पहली बार लड़े तो पहली बार ही तो विरोधी पार्टी थोड़ी सुरत कि पार्टी आई है दस्यो पंजाब च, जो नहीं हुंदा इहदे च नाले दर्शन सिंह इको कॉलेज पढ़े आप, तेनू भी पता है ठीक है ना, बथेरे कनैक्टर लड़े हैं ठीक है ना। सो आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है जिन्हें 100 साल पुरानी पार्टी पहली बार तीजे नंबर से धक्या, वो तो बाद अकाली दल के टुकड़े हजार हुए, कोई जहां गिरा कोई वहां गिरा, वो तो आपकी तकड़ी दी रस्सी संभालते फिरते हैं। आम आदमी पार्टी 2022 दे विच प्रॉपर रोड मैप लैके जे पिछलियां साथों कोई गलतियां भी हुई ने उन्हां नूं भी उन्हां तों सिक्ख्या लैके सबक लैके 2022 दे विच बहुत प्रॉपर प्लैनिंग नाल लड़ांगे ठीक है। सियाणे कहिंदे जिन्हें कोई गलती नहीं की मतलब फिर उन्हें कोई काम भी नहीं किया। सो गलतियां काम दौरान हो जांदियां ने, तो इस बार उन्होंने गलतियां तो सिक्ख्या लैके उन्होंने गलतियां सुधार के बड़े एक बड़े मार्जन के नाल जिहड़ी जिहड़ा कैप्टन साहब का जिहड़ा लोगों के दिमाग चा औरा सीगा वह भी निकल गया। उदो लोगों को तो यह लगता है कैप्टन साहब आउणगे साडे जमीना महंगीया होणगीया, कैप्टन साहब आप फार्म हाउस बैठे ने लोगों ने जमीना खोई जाते हैं, लोगों के प्लाट खोई जाते हैं, कुछ नहीं मिलिया, सिर्फ एडिटोरियल अखबारों च जा आ हुण फेसबुक ते बैठन जोगे रह गए, फार्म हाउस बह के पंजाब नूं चला रहे ने 3.5 साल हो गए, लोगों च बाहर निकले नहीं। आम आदमी पार्टी लोगों च है तो बड़े पद्धर से मार्जिन नाल 2022 सरकार बनावांगे। मैं हुण कहूँगा जरनैल सिंह जी सेंट्रल लीडरशिप वालों स्वागत भी करेंगे ते नाल एक अनाउंसमेंट वो भी कर देंगे जी। नमस्कार, सत श्री अकाल। सब तो पहला मैं आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी वालों सारी सीनियर लीडरशिप वालों अज जो आम आदमी पार्टी पंजाब के परिवार में साढ़े नवे साथी जुड़े आ उन्हां सब का स्वागत करदा ते पूरा विश्वास करदा कि इन्हां दे जुड़न नाल पार्टी नूं होर मजबूती मिलेगी ते ए पंजाब दे लोकां दे मसले पंजाबियों दे मसले पंजाब दे लोक हितां दे मसलियां नूं चकदे रहणगे ते उन्हां नूं अंजाम तक पहुँचाणगे। जिदां मान साहब ने दस्सिया अज साडे नाल समाजिक लोक मजदूरां दे हक्कां वास्ते लड़न वाले साडे कटारू चक साहब, अजय लिबड़ा जी, अनमोल गगन मान जी, तीनों वख वख खित्तियां चों हैगे ते जिदा भाई साहब पुछदे सी कोई भी जे लोक आवाज़ है लोगों की आवाज़ चकदा भावें गीतकार है भावें कोई लेख लिखदा इन्हां सब की जिम्मेवारी बनती है कि समाज में जे कोई गलत काम हुंदा तो उन्हें भी चकन। सानू खुशी है कि अज पंजाब का नौजवान आम आदमी पार्टी च एक उम्मीद की किरण वेखदा, अज पंजाब के नौजवान पंजाब के आम लोग जो अपने आप नूं पंथक पार्टी कहाउंदे सी उन्हां दी सरकार दे दौरान पंथ की बेअदबी हुंदी भी वेख बैठे आ। अज कैप्टन साहब ने कांग्रेस की जदों कैंपेन करदे वेले गुटका साहब ते हाथ रख के सूआं खा के झूठे वादे कीते सी उहदा अंजाम भी पंजाब दे लोकी वेख बैठे है ते एक उम्मीद की किरण पंजाब वालियां नूं नज़र आ रही है आम आदमी पार्टी विच। ते मैं एक बार फिर तो जिथे इन्हां सारे नवे साथियों का आम आदमी पार्टी परिवार विच स्वागत करदा उत्थे ही सारे पंजाब दे नौजवानों नूं आम लोगों नूं अपील करदा कि आओ जुड़ो क्योंकि जो सामने दिसदा उस तो वड्डा सच कुछ नहीं हुंदा। सामने तुहाडे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस का 5 साल का एक कामयाब मॉडल हैगा, जे तुसीं चाहुंदे हो पंजाब विच भी दिल्ली वर्गे काम होण लोक भलाई दे ते आम आदमी पार्टी नाल जुड़ो। एक नंबर आपां हुणे लॉन्च कर लगे हाँ, इस नंबर ते कॉल करके तुसीं आम आदमी पार्टी नाल जुड़ सकदे हो। मतलब जे किसी ने ज्वाइन करना है तो वह एक पंजाब लैवल का एक नंबर असीं दित्ता है 951-777-8707 951-777-8707 मैं एक बार फिर बोल देना 951-777-8707 इस नंबर ते कॉल करके साडे इत्थे जिहड़े पार्टी दे जिहड़े वलंटियर ने जां अहुदेदार ने उहनां दी ड्यूटी लगेगी ये नंबर उठाया जाऊगा वह बायोडाटा लेके लोकल टीम नाल संपर्क किया जाऊगा तो तुहानू असी आप असी उत्थे मिलन आवांगे। जिहड़े पंजाब दा भला चाहुंदे ने जिहड़े चाहुंदे ने कि हाँ साडे धीआं पुत जिहड़े ने बाहरले मुल्कां वल देखण दी बजाए ऐसे पंजाब दी धरती ते रोज़गार मिले वो इत्थे ही कम करन ते आपदे वतन नूं ही असी ठीक करिए
बजाय इस दे के बाहरले मुल्क जाइए, पहले उत्थे उन्हां दे ग्रीन कार्ड उन्हां दी पी आर लैण वास्ते जिहड़ा तासी जाइए, फिर उन्हां पी आर वालियां नूं जदों करोना महामारी करके जो बाहर कढ़न नूं फिरदे ने तां फिर साढ़े ते तलवार वापस घर मुड़न दी लटकदी है। सो अपना घर ही असीं जे ठीक कर लीए तां मेरे ख्याल नहीं सानूं कितें बाहरले मुल्कां वल देखण दी लोड़ पऊगी। सो मैं फिर एक बारी अरविंद केजरीवाल जी वल्लों और पंजाब की सारी टीम वल्लों मैं बेनती करदा नौजवान मुंडे कुड़ियां जां जिहड़े भी किसी वर्ग नाल जुड़े हुए कोई लोग ने कोई एन जी ओज़ ने कि आओ आपां इकट्ठे हो के इस पंजाब की लड़ाई दे विच 2022 दे विच कुछ ज़्यादा समा नहीं रह गया, ये हुण तिकड़मबाजियां बहुत करनगे, बड़े कुछ इत्थे समीकरण जोड़ तोड़ा वाले बनणगे, प्रैशर ग्रुप बनणगे, उन्हां दी बजाई आम आदमी पार्टी नाल जुड़ के आम लोगों की सरकार लेके आईए ते किसी बंदे की सरकार ना होवे जिस हर माँ भैन की इज्जत सेफ होवे, जिदे विच नौजवानों कोले काम होवे, बजुर्गों नूं जिहड़ा इलाज मिले प्रॉपर और लोग जिहड़े ने ओह मालक होण। लोकतंत्र च लोग वड्डे हुंदे ने, लीडर वड्डे नहीं हुंदे। ये जिहड़ी लैके असीं मनशा ये नंबर जारी कर रहे हैं ते सोशल मीडिया ते भी आ जाऊगा, साडे पार्टी दीआं जिन्नीआं भी वैबसाइट्स ने जिहड़ीआं अथोराइज्ड ने वेरीफाइड ने। तो आही अज लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, तुसीं गर्मी दे विच आए ते तुसीं साथ दिंदे हो हस्पत। सो जिस तरह अनमोल गर्ग मान कह रही थी कि मीडिया वालों बेनती है कि तुसीं सारा कुछ दिखाए तो दिखाते रहेंगे ने, सो असी अपने वालों बेस्ट एफर्ट करते रहेंगे। होर भी बहुत वड्डियां वड्डियां शख्सियत हर वर्ग दियां आम आदमी पार्टी च आने तैयार ने, भविख के असी इस तरह के कष्ट देंदे रहेंगे। देखो जी गल है सोशल डिस्टेंसिंग की गल करते हैं आप ये एडे एडे जे रोस मार्च करते हैं है जी, वो अकाली दल वाले वो एक दिन 7 तरीक न लगे हुए थे जगह जगह पर, अज भी बो ब्याह भोगों तो आने तो 400-500 1000-1000 बंदे का कट है। सो आप फार्म हाउस बैठे ने ऑर्डर उत्थे देना कोई मेरे ख्याल च नहीं दे कोई इस तरह का असी कोई स्पैशली कोई बुला के कोई इन्हें वो करन लगे, जो तुसी होर भी खुली जगह पर बहना चाहते तो उत्थे बैठ सकते।